अब अपना दर्द परसे आए ना है जलवा नुमा, अब अपना दर्द परसे आए ना है जलवा नुमा, दिखाई देना मेरी गायबाना तन्हाई। बड़ी हो गई हो आना, ये बाल खुद बनाया करो बेटा। देखो ना, मुझे अभी सबके लिए नाश्ता बनाना है। मामा देखिए, अम्मा नाश्ता नहीं कर रही है, मैं स्कूल से लेट हो रही हूँ, आप इसे खुद ही खिला देना। और अब ये 5 साल की हो गई है, इसे भी स्कूल में दाखिल करवाएं। 3 दिन हो गए तुम लोगों की फीस मांग रही हूँ, कभी तुम्हारी दादों से तो कभी तुम्हारे बाबा से। इसके स्कूल एडमिशन की बात क्या करूंगी मैं। मामा मम्मी, मामा ठीक तो है? इकरा, अपनी मुमानी का नंबर मिला बेटा। नहीं, मैं स्कूल नहीं जाने दूंगी। ये चिड़िया की तरह मत खाओ, लुक में बनाओ और खत्म करो पराठा और दूध का गिलास, फिर जाओगे तुम। देखो तो कितना समूह निकल आया है, मुझे रंगत भी इतनी पीली पीली लग रही है इसकी। चेहरे पे रौनक सिर्फ खाने पीने से नहीं आती अम्मा जी, ये तो यतीमी है जो मेरे बच्चों के चेहरे पे नजर आती है। जब से इनके डैडी चले गए तब से मेरे बच्चे ऐसे हो गए। अनिला, मेरे जीते जी मेरे पोतों को कोई यतीम नहीं कहेगा, याद रखना मेरी बात। सुबह सुबह क्या याद दिला दी। नाहीद, अरे भाई नाश्ता दे दे मुझे। नाहीद, पता नहीं कहाँ है ये औरत। क्यों अपना हलक दुखा रहा है? हमने तो भैया तुम्हारी बीबी की सुबह से शक्ल नहीं देखी। सो रही होंगी चारों की चारों, या वो लौंडियों के कामों में लगी होगी। भला हुआ नीला का, जिसने बच्चों के साथ साथ मेरा नाश्ता भी बना दिया। तो कोई नहीं ना, मैं बना के लाती हूँ। नीला तू बैठी रहे। अरे नाहीद कहाँ है, मैं बुलाता हूँ। नाहीद, बच्चों तुम जाओ चचा को सलाम दुआ करो। अब ये तुम्हारा चचा भी है और बाप भी है, जाओ शाबाश। असुन सादिक, कल बच्चों की छुट्टी है, इन्हें बाहर घुमाने फिराने ले जाना। मेरा जमील मरहू हर छुट्टी वाले दिन बीवी बच्चों को बाहर घुमा के लाकर। अम्मा कितनी दफा तुझे कहा है कि चचा नहीं हूँ मैं इनका, अब बाप भी मैं इनका है। अच्छा पैसे तो दिए नहीं मैंने तुझे, मैं छोड़ा हूँ इनको स्कूल, फिक्र ना करो तुम। बाबा, बाबा
पापा वो देखे तो ने अपनी बीवी की चालाकी। अरे जहाँ ये देखे है कि सादिक यतीम बच्चों के सर पे हाथ रखा या थोड़ी बहुत तवज्जो दे रहा है, बस चाबी भर के भेज देवे अपनी किसी भी लौंडिया को, ये हर्राफा है। छोड़े ना अम्मा जी, मैंने जिंदगी से समझौता कर लिया है, मैं अपने बच्चों को भी समझा दूंगी। क्या समझौता कर लिया है और बच्चों को क्या समझा दोगी? देखो जितना हक तुम्हारा और तुम्हारे दोनों बेटों का है, उतना ही हक सादिक उसकी बीवी और बच्चों का है। इन दोनों का अगर चचा है, उन तीनों का बाप है। क्या बात है, है? हम लोग उधर खड़ी क्यों है, तू बोलती क्यों नहीं? जब आपको बुला उसको बता नहीं मुझे नाश्ता करना है। बाबा वो उनकी तबीयत बहुत खराब है, आप इसे चले ना उनको एक दफा देखें तो सही। देख तो सो अम्मा, देख लो इस औरत के ड्रामे खत्म नहीं हुए। चल आगे चल। देखा कैसी हर्राफा है, सुबह सुबह शौहर को पीछे लगा लिया तो बहुत ही छिछोरी कमजोर। फ्रिया मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, मेरी तबीयत खराब लग रही है। नाहीद आपा, मैं अभी तो आई हूँ अम्मी के घर और शहजाद मुझे ड्रॉप करके गए। अब अगर उन्हें फोन करूंगी वो आधे रास्ते से पलट कर आएंगे, मुझे लेंगे, आपकी तरफ आएंगे तो वक्त लगेगा ना। आप ऐसा करें ना कि किसी ना किसी तरह अस्पताल पहुंच जाए, मैं थोड़ी देर में वहां पहुंच जाऊंगी। मैं अकेली? जाहिर सी बात है अकेले तो मुझे भी आना पड़ेगा ना, वो भी रिक्शे में। आप सादिक भाई से बोले ना, वो आपको अस्पताल ड्रॉप कर देंगे, उनके साथ आ जाए। फ्रिया मेरी फ्रिया। क्या बात है, है? मुझे तो ये लगता है कि ये बच्चियां तूने अपने पैगाम देने के लिए पैदा की हैं। हर बात पैगाम दे रहे हैं तेरा, ना वक्त देखे ना मौका। क्या तकलीफ है बोल? मुझे हॉस्पिटल जाना है, मेरी तबीयत खराब हो रही है। अस्पताल जाना है तूने इस वक्त? अजीब बेवक्ता। अच्छा चल ले चलो तुझे। और इनका स्कूल? तुझे अस्पताल लेके जाओगे इन्हें स्कूल? हैं? इसीलिए कहा था कि इनको मोहल्ले वाले स्कूल में डाल दे, बाकी बच्चों की तरह पैदल चले जाएंगी। मगर तुझे तो शौक था कि जमील के बच्चों के साथ मुकाबला करना है तूने, अब भुगत तू। रहने रहने, आज स्कूल नहीं जाएंगी तो क्या हो जाएगा, नौकरी तो नहीं छूट जाएगी इनकी। चल जल्दी आ। इकरा बेटा, बहनों का ख्याल रखना बेटा। मामा मेरा पेपर था आज। क्या करूं बेटा, हॉस्पिटल जाना जरूरी है। मामा आप हमारा भाई लेने जा रही हैं? हाँ बेटा। रिसीव ही नहीं कर, साइलेंट करके रख दो। नौकर थोड़ी हूं मैं। चल खाना खाओ। मैं ले लेती ना खाना। कब से शहजाद का फोन बज रहा है, उठाती क्यों नहीं है? अम्मी अब आप ही रिसीव कीजिएगा और कहिएगा कि मैं सो रही हूं। झगड़ा करके आई हो क्या मियां से? नहीं ना अम्मी, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ। मेरी नन साहिबा है ना नाहिद आपा, थक करके फोन किया कि अस्पताल जाना है, मेरे साथ चलो। अब बताएं भला इस हालत में मैं सरकारी अस्पताल में उनके साथ ख्वार होती रहूं? मैंने तो साफ साफ मना कर दिया। फौरन से बहन ने भाई को फोन किया होगा, अब शहजाद मुझ पर जोर देंगे कि तुमने जाना है उनके साथ। इसीलिए कह रही हूँ कि कह दीजिएगा सर में दर्द था, टेबलेट खाकर सो रही। लो वो फिर अस्पताल पहुंच गई। भाई उससे कहो बस करे, कितने बच्चे पैदा करेगी, लाइन लगा के रख दिए लड़कियों की। ठीक कह रही है अम्मी आप, लेकिन अब तो पैर जमीन पे नहीं टिक रहे, सुना है कि बेटा होगा। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ। अम्मी मैं अकेले खा रही हूँ, आप भी तो खाए ना मेरे साथ। नहीं बेटा तुम खा लो, अभी मुझे देर है खाने।
भाई साहब एक मिनट रुका। रास्ता चलाए। रास्ता चलाऊं? रास्ते में कुछ हो गया तो रास्ता चलाऊं? पहले बताना चाहिए था आधा घंटा पहला। एक मिनट रुको। अरे इकरा, देख तेरी माँ अस्पताल तो चली गई, मेरे कपड़े इस्त्री करके गई है या नहीं? और अगर उसने नहीं किए हो तो तू कर इस्त्री, काला जोड़ा बादामी शलवार वाला, और उसके साथ मैं ओढ़ूंगी चादर, सर्दी है आज। दादू पहले मैं अंबर को नहला दूं फिर आती हूँ। अंबर को नहला दूं? वो नन्ही छिन्नो है जो उनको नहलाओगी? तुम्हारी माँ के चोंचले भी अजीब है और अंबर को तो ऐसे पाल रही है जैसे हथेली पे छाला हो। बड़ी जैसी वो इकलौती है ना। वालेकुम मम्मा जी। वालेकुम सलाम। वैसे मैं सोच रही थी इस बार मैं भी अस्पताल चलती, लेकिन आप भी घर पर नहीं होती, नाहिद भी नहीं होती, तो सारा काम वहाँ मुझे देखना होता है। जाहिर है बेटा, मैं समझती हूँ, लेकिन मुझे जरूर जाना होगा इस बार अस्पताल। अल्लाह, मेरी तो आंखें तरस गई थी सादिक के बेटे की शक्ल देखने को, और डर ये था कि कहीं उसके बेटे की शक्ल देखे बगैर जन्नत को ना सुधार जाऊं। बस अल्लाह तेरा बड़ा करम, बहुत करम। वैसे हर बार आपको यही उम्मीद और यही खुशी होती थी। चलें, अल्लाह करे आपकी दुआएं कबूल हो जाए। अरे डॉक्टर ने पहले से बता दिया कि इस बार बेटा ही होगा, बेटा, वरना ये आए दिन के खर्चों से तो मैं तंग आ गई थी, बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हर 2-3 साल के बाद अस्पताल, अस्पताल के बिल का बोझ किसके सर पे? मेरे बेटे के सर पे। और जब आती थी तो अल्लाह मेरी तोबा है तोबा है, अपनी जैसी रूती बिसूरती मनहूस शक्ल की लड़की को लिए चली आ रही हूँ, तोबा है। अब की बार मैं बेटे को देख के और उसके साथ लाऊंगी उसको। खाना बना दूँ अस्पताल के लिए? हाँ, मैं तो भूल ही गई, तुम वो करो, तू जल्दी से कपड़े लेके आ, मैं इतने एक पान खा लूं। चले बस 15-20 मिनट लगेंगे बना देते। अच्छा हो गए श्री। अच्छा बस हौसला कर, जनाना वार्ड है, कब तक रुकूंगा मैं यहाँ? भाभी कहाँ है तेरी? ऐसे मौके में तो मैके वालों को होना चाहिए तेरे साथ। अब अम्मा को तो यहाँ से रहा, बूढ़ी हो गई है वो, कैसे करेगी तेरी खिदमत? 12 बज गए, दुकान नहीं खुली अभी तक। मैं जा रहा हूँ, और वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि 2 घंटे तो लगेंगे तेरे ऑपरेशन में। अपनी भाई और भाभी को बुला लियो। हैं, मैं निकला। तू क्यों मुस्कुरा रही है? हैं? क्या देख रही है? अरे हाथ चला जल्दी जल्दी, और बिस्मिल्लाह करके रखना। तौबा है, जल्दी कर। आय अल्लाह, तो सबसे पहले अपने लाख के फोटो को ये पहनाऊंगी। अल्लाह तेरा शुक्र है तूने ये दिन दिखाया। क्यों ये मुस्कुराया क्यों जा रहा है, और ये हाथ में क्यों है? रख जल्दी से, बिस्मिल्लाह करके। दादो। हाँ? हम भी चले आपके साथ। हम भी चले आपके साथ? अस्पताल जा रही हूँ अपने लाडले पोते का मुंह देखने के लिए, घूमने फिरने नहीं जा रही। पता नहीं इस माँ की आते आई हर वक्त घूमने फिरने का ख्याल। एक बात का ख्याल रखना,
मेरे जाते ही कार्टून चैनल खोल के मत बैठ जाना तीनों, ठीक है? चची जान का बावर्चे खाने में जाके हाथ पर जाना। और दूसरी बात जो सबसे अहम ही है कि दोनों चुड़ैले जो है उसके बच्चों से लड़े ना। अगर मैंने कोई शिकायत सुनी तो सचमुच आज हाथ और पांव दोनों तोड़ दूंगी। मनहू से कहाँ है, मुझे देर करवा दी। उठाई चीजें नहीं, उसको देर लगेगी आने में। तू जाकर के शहद और वो लेकर किया। अनिला अनिला इसको शहद और सुरमा दे देना, पीर साहब से भी पढ़ा हुआ, जल्दी लेके आ। या अल्लाह तेरा शुक्र है, बस साथ खैरियत के सब काम हो जाए। आई के नहीं? बीबी कौन है तुम्हारे साथ? तुम्हारा फौरन ऑपरेशन करना है, जो भी बुलाओ ने। हमें कुछ कागजात पर दस्तखत चाहिए और खून का भी बंदोबस्त करना है। बस मेरी ये दुआ सुन ले, फिर तुझसे एक साल तक कोई दुआ नहीं मांग। कहाँ है मेरा पोता? ये कौन है? ये शायद अरे आधे घंटे का रास्ता लगता था कभी खत्म ही नहीं होगा। अल्लाह मियाँ आए आए। अल्लाह अम्मा जी हाँ? आप इनके साथ हैं? माशाल्लाह इसकी सास हूँ मैं, और तुम लोग इसे अभी तक अंदर नहीं लेके गए? इनका ऑपरेशन करना होगा, और जब तक इनका कोई नहीं था तो हमें ऑपरेशन थिएटर में कैसे लेकर जाते? इनके शोहर को बुलाएं, उनके सिग्नेचर चाहिए हमें। दस्तखत बात को लेना, कैसी तड़प रही है? डॉक्टर का फर्ज है कि पहले लेकर के जाए उसको। खुदा ना खासा कुछ हो गया मेरे पोते को। ये ऑपरेशन काहे का ऑपरेशन होगा? मैं खूब जानू तुम लोगों को, बस बिल बना दिए और पैसे बटोरने के लिए ऑपरेशन का नाम। तीन तीन हट्टी कट्टी बच्ची पैदा की है इसने बिना ऑपरेशन के। डॉक्टर आप हैं या मैं हूँ? जब इन्होंने तीन हट्टी कट्टी बच्चियाँ पैदा की होंगी तब ये सेहतियाब और कम उम्र होंगी। अभी इनमें शदीद खून की कमी है और कमजोरी भी। देखिए मुझसे बहस करके वक्त जाया मत करें, बुलाएं इनके हस्बैंड को, हमें सिग्नेचर चाहिए। अगर कोई भी नुकसान होता है तो मैं जिम्मेदार नहीं। बस कोई बदशगुनी की बात मत करना, ये लो बुलाओ उसे खुद। नर्स फौरन कॉल करो, इन्हें ऑपरेशन का बंदोबस्त। या अल्लाह खैर, बस शाबाश, हिम्मत से काम लो। ऐसे तो माँ के पाँव के नीचे जन्नत नहीं बनाई अल्लाह मियाँ। शाबाश शाबाश, अरे मेरे पोते की शक्ल दिखा दे। बात सुन, अस्पताल जाना है मैंने। खबरदार जो डंडी मारी हो या दुकान जल्दी बंद कर दियो, एक दो घंटे में खुशखबरी लेके आ रहा हूँ मैं वापस। फिक्र ना करे सेठ, हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। और बात सुन, वो हलवाई को ऑर्डर दे देना, कहना देसी घी में लड्डू बनाए, समझ आई ना? और जो ही मैं फोन करूँ तुझे, तू बस सबको बांट देना, दुकानों से लेके मोहल्ले तक। मैं और अम्मा जाएंगे अपने रिश्तेदारों को मिठाई देने। सेठ सेठ सेठ, वो सदके के बकरे के पैसे। अरे हाँ, बहुत अच्छा याद दिलाया तूने। बड़ी मंथों मुरादों वाला है मेरा बच्चा, नजर लग जाएगी उसे। ये ले, दे दे सबका। शुक्र है इस बंदे से भी पैसे निकले। या अल्लाह मुझ गुनहगार की तू सुन दे, मेरा पोता जिंदगी वाला, आंख नाक हाथ पांव से दुरुस्त। अरे अम्मा, खैरियत के साथ इस दुनिया में आंखें खोले और मैं अपने सादिक की गोद में उसका पहला बेटा देखूं। आमीन आमीन। क्या कर रही है? सुई क्यों घोंप रही है? बैरी पट्टो हो गई। अम्मा जी इंजेक्शन के बाद ही ले जाया जाता है। वो जहाँ बच्चे पैदा हो मैं उस रूम में? अपने आप को हर एक डॉक्टर नहीं समझे। तू और तेरे डॉक्टर ने मिलके हमें धोखा दिया है। सादिक पुलिस को बुला, बड़ा जुल्म हुआ है, बुला पुलिस को। सूफियाना तन्हाई। वाह मैं, आप कह रही हैं कि मैं परेशान ना हूं। जमील के जाने के बाद इज्जत से जो सर ढक कर बैठी हूँ ससुराल में, वो सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चों में दादी की जान है। सादिक भाई की तो बेटियां ही बेटियां हैं,
और ये जो अचानक मेरी सास मेहरबान हो गई है ना मुझ पर, सिर्फ इसलिए कि उन्हें ये डर है कि कहीं उनके पोतों को लेकर मैं महके ना चली जाऊं या कहीं दूसरी शादी ना कर लूं। अब खुद ही सोचे, अगर सादिक भाई का बेटा हो गया तो मेरे बच्चों की कौन सी जरूरत रह जाएगी यहाँ पर, मेरी कदर भी कम हो जाएगी और जरूरत भी। और आप कह रही है कि मैं परेशान ना हूं। चले अम्मी, रखती हूँ फोन, बाद में बात करती हूँ। ओहो अम्मा, तू फिक्र ना कर, इस तरह के ऑपरेशन तो रोज हो रहे हैं यहाँ, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। अरे मुझे तो बस ये फिक्र है कि तेरा बेटा खूब तंदुरुस्त पैदा हो, गपलू सा जैसे तू हुआ था। और देख, तेरी बीवी को रोज बिला ना का पानी पिलाती थी पीर साहब का दम किया हुआ। और ये भी याद रखना कि रोज मगरिब से जरा पहले ताबीज जला के धूनी धूपी सारे घर को और खास तौर पे तेरे कमरे को। मगर दिल को एक धड़का सा लगा रहे हुए है कि किसी हासिद की नजर इस खुशी की बात पे न पड़ गई हो। ये कुछ पेपर्स हैं, इन पे साइन करें ताकि हम ऑपरेशन स्टार्ट करें। ये क्या है, हैं? अरे तुम लोग ऑपरेशन तो स्टार्ट करो, पैसे दे दूंगा मैं, भागा नहीं जा रहा मैं। ये बिल नहीं है, ऑपरेशन से पहले की जरूरी कार्रवाई है जो करना जरूरी होती है। क्या लिखा है इन कागजात में? इसमें ये लिखा है कि आप अपनी जिम्मेदारी से हमें ऑपरेशन की इजाजत दे रहे हैं, और ये भी बता दें कोई पेचीदगी की सूरत हो गई तो हम बच्चे की जान बचाएं या माँ की। बच्चे की जान बचाओ तुम लोग। ठीक है, इस पे साइन करें। जैसा अगर नहीं मैं अंगूठा लगाऊंगा। तो ठीक है, आप मेरे साथ हैं। अम्मा मैं भी आया। आसमान से हमारे भैया को लेकर मामा के पास आ गए होंगे? आ चुकी होगी या आने वाली होगी। हमारा भैया कितना छोटा सा और प्यारा सा होगा, सबसे पहले उसे गोद में मैं लूंगी। मैं भी लूंगी। अच्छा आप ले लीजिएगा, पहले आप मुझे बताएं जो आप ये खाली बर्तन लेके बैठी हैं, आपने इसमें कुछ बनाया भी है या नहीं? खाला, क्या ये आपकी बेटी का ऑपरेशन है? अरे नहीं, अल्लाह रखे मेरी बहू है। कमाल है भाई, जिस तरह से आप परेशान हो रही हैं और दुआएं मांग रही हैं, जैसे अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ। भाई बहू के लिए तो कोई इतना फिक्रमंद नहीं होता। हमारे खानदान की नस्ल आगे चलाने के लिए, बेटे को वारिस देने के लिए क्या क्या तकलीफें बर्दाश्त कर रही है, कैसे कैसे दर्द सह रही है, तो मैं क्यों ना उसके लिए दिल से दुआएं मांगूं। तो क्या आपकी बहू का ये पहला बच्चा है? नहीं, पहले की 3-3 बच्चियां हैं, लेकिन अब की बार इंशाल्लाह ताला बेटा ही होगा। अरे बड़ी मन्नतें मानी हैं, बड़े चिल्ले काटे हैं मैंने, मेरा बेटा। 20 किलो ऑर्डर दे दे तू, मैं तुझे बता दूंगा मोहल्ले में किसको दे रहा है। 20 किलो अभी दे दे बस ऑर्डर, इंतजार ना कर। अम्मा ने कह दिया लड़का होगा तो लड़का ही होगा, अम्मा कभी गलत नहीं कहती। इंशाल्लाह ताला। मुबारक हो आप लोगों को।
बेटी हुई है। अरे क्या कह रही है तू नर्स, दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? हैं? लड़की हो ही नहीं सकती। कमर टूट गई। हद करती हो तुम। जब पापा का फोन आया था तुम्हें उसी वक्त निकल जाना चाहिए था। अब मैं तो ऑफिस में था, काम छोड़ के तो नहीं निकल सकता था ना। आपको तो पापा की फिक्र लगी रहेगी, मेरी कोई फिक्र नहीं है आपको। अम्मी के घर आराम करने की गर्ज से गई थी, मगर आराम मेरे नसीब में कहा। और ऐसी हालत में बस और रिक्शों के धक्के नहीं खाती फिरूंगी मैं। और उनकी सास तौबा तौबा अजीब औरत है, उनकी तो बातें सुन के मेरा दिल घबराता है। बातें तो खैर अब भी होंगी, अब आपा के महके में मेरे और तुम्हारे अलावा है ही कौन? और दोनों में से किसी एक को मां जरूर होना चाहिए था उस खुशी के मौके पे। लेकिन खैर उनकी आदत है, ताने वो देंगी। लेकिन हो सकता है कि पोती की खुशी में गुस्सा कुछ कम हो जाए। देखो तुमने भी याद नहीं दिलाया। अब क्या हो गया यार, खुशी के मौके पे आ रहे थे, कुछ मिठाई वगैरह लेके आना चाहिए था ना। इतनी अफरा तफरी में अस्पताल आना हुआ, मिठाई किसे याद रहती है शहजाद? हो सकता है कि आपा का भी ऑपरेशन ही शुरू ना हुआ। चलकर तो देखे ना, बाद में मिठाई आ जाएगी। आहिस्ता चले। क्या बात कर रही है तू? देख मेरी बीवी का नाम नाहिद है, वो जिसको तुम लोग ले गए थे थिएटर में। जी जी मैं उसी का बता रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है कोई मसला नहीं है, माँ और बच्ची दोनों बिल्कुल ठीक है। हाँ अलबत्ता माँ में कुछ खून की कमी है जिसकी वजह से बच्ची कमजोर लग रही है, चंद घंटों के लिए हमने उसे आईसीयू में रखा है। अम्मा ये क्या कर रही है अम्मा? अरे कब से सुन रही हूँ बच्ची बच्ची, कौन सी बच्ची, किसकी बच्ची? बुला उस डॉक्टर को जिसने हमें खुद फोटो देख के बताया था कि अब की बार मेरे बेटे के यहाँ बेटा ही होगा। सादिक बता ना कि डॉक्टर ने कहा था कि नहीं? हाँ डॉक्टर ने मुझे खुद बताया था, लड़का होगा। देखे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट कोई हतमी चीज नहीं है, अक्सर ऐसी गलतियाँ हो जाया करती है। गलती की बच्ची? यू क्यों नहीं कहती सीधी तरह की झूठ बोल रही है? तू और तेरे डॉक्टर ने मिलके हमें धोखा दिया है। सादिक पुलिस को बुला, बड़ा जुल्म हुआ है, बुला पुलिस को। लगता है आप लोग ऐसे नहीं मानेंगे, मैं भी डॉक्टर साहिबा को बुलाती हूँ। अरे खाला ये अस्पताल वाले बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरी बेटी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। कभी कभी रिपोर्ट्स गलत भी बन जाया करती हैं। बस बस रहने दो, मैं जानू तुम भी अस्पताल वालों के साथ मिली हुई हो। अरे बुत बना उधर क्या देख रहा है, पुलिस को बुला जल्दी से, बड़ा जुल्म हुआ है हमारे ऊपर। क्या हुआ सादिक भाई? सादिक भाई सब खैरियत तो है? क्या हुआ मेरी बहन को, वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक है, ना उसे कुछ हुआ है ना कभी होगा। अरे जीते जी तो हम मर गए, फिर हमारे गले में कांटो भरा एक और हार पड़ गया, फिर वही मनहूस बच्ची। हाय अल्लाह फिर लड़की हो गई। पापा तो कहीं थी इस बार लड़का होगा। सादिक भाई, सादिक भाई बात तो सुने। सादिक भाई। जी अम्मा जान। जी जी चले ठीक है, खुदा हाफिज। चाची बाबा का फोन था, बताए ना बाबा का फोन था, मेरा भाई आ गया। अगर आप हॉस्पिटल जा रही है तो मुझे तो साथ ले जाइएगा, मुझे भी अपने भैया को देखना है। क्यों करो, तुम अपने बाबा को ना खुद फोन करो, वो ले जाएंगे तुम्हें हॉस्पिटल। नहीं 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 नहीं, वो मुझे बहुत डांटेंगे, मैं नहीं फोन कर रही। नहीं आज तो बिल्कुल नहीं डांटेंगे, आज तो वो बहुत खुश है, उनके तो पैर ही नहीं जमीन पर पड़ रहे हैं, क्योंकि तुम लोगों का भाई जो हुआ है। शायद ये ठीक कह रही हैं। ये लीजिए, ये पीले वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर कुछ पिला नहीं है ना तो मुझे दो घूंट जहर के ला दे, मुझसे सादिक की कम बर्दाश्त नहीं होगा। तेरी बहन ने तो मेरे बच्चे के
जवानी में कंधे झुका दिए हैं। अरे चार चार लौंडियों को पालते पालते ब्याहते ब्याहते मेरा बच्चा तो बूढ़ा हो जाएगा। ये तो अपने अपने घर को सुधारेंगी और मेरा बच्चा बिल्कुल अकेला कंगाल रह जाएगा। कौन बनेगा उसका बाजू? अगर आप लोगों का रोना धोना बंद हो गया तो बच्ची के कपड़े दे दें, साथ तो लाए होंगे आप लोग। जी जी, ये ले ये ले। खबरदार तुझे हाथ लगाया, मैं अपने पोते के लिए लाई। अजीब औरत है आप, आधे घंटे से बच्ची इसी तरह पड़ी हुई है, उसकी हालत और खराब हो जाएगी। अच्छा थोड़ा सा वेट कर लें, मैं लेकर आता हूं। अगर आप बुरा ना माने तो ये पहना लें जब तक। कोई बात नहीं, मेरी बेटी को ऑपरेशन में भी थोड़ा टाइम है। ओह हम दर्द मन रही हो, ये पहना ले। ला दे ना मुझे। जी हाँ दे। जी अच्छा ला। रोते गए थे और मरों की खबर लेके आए हैं, इससे तो ना जाती मैं अस्पताल। तौबा है मेरी। बाबा बाबा मामा को साथ नहीं लेके आए? नहीं, कहाँ है मामा? ओफो, और अब हमारा भाई भी नहीं लाए, मुझे उसे देखना था। ने? बाबा कैसा है हमारा छोटा भाई? ऐसा मोरू भाई की बात कर रहे थे। तुम ये थानेदारनियों की तरह सवाल कर रहे हैं, ऐसा मालूम होता है थाने में खड़ी हूँ और ऐसा जो सवाल जवाब कर रहा है बाप से। दे इसको मुझे। दादू मैं साथ चलती हूँ। अरे तू भी चल। चलो दादू की तुम्हारी चलो चलो जल्दी से, ऐसा बताऊंगी कमरे में सारा। अरे सेठ हॉस्पिटल ही आ रहा था, मुबारक को आपको बैठा हुआ है। लगता है फिर बैठी हुई है। खैर चोट उठा दी है। अंदर अगर अब मेरे कानों में रोने की आवाज आई मनहूस हो तो मैं गला घोट दूंगी आन के। हाथ तो दुख गए मेरे मारते मारते, आपके जूता निकालूंगी। अरे मुझे तो पहले से पता था, बहुत पहले से। जिस दिन ये औरत ब्याह के घर में आई है और मैंने इसका थोबड़ा देखा है, मैंने तभी सबसे कह दिया था कि ये आ गई है, अब इस घर में कोई खुशी नहीं आएगी। अरे मनहूस है माँ बेटियां सब, इस मनहूसियत के लिए क्या करूं। पानी अम्मा जी। अरे जीती रहो बेटा। क्या अपना हाल बना रखा है, क्यों हल्का अन करी खुद को? अरे मेरी तो अल्लाह ने एक नहीं सुनी, दुआ वजीफा चिल्ला कुछ काम नहीं आया। मेरे इकलौते बेटे के गले में चार चार दाग पड़ गए हैं, उसकी कमर झुक गई है। क्या करें अम्मा जी, ये तो अल्लाह के काम है ना, इंसान बेबस है क्या कर सकता है भला। पानी पिए, मैं आपके लिए चाय बना कर। चाय वाय मतला, कहीं से दो घूंट जहर ला दे मुझे, मैं पी के खत्म हो जाऊं। Thank you.
बहन आपके साथ कोई नहीं आया? जब से आप ऑपरेशन के बाद आई हो तब से आप बेहोश थी और तब से मैंने किसी को अंदर आते हुए नहीं देखा। होश आ गया तुम्हें? चलो शाबाश उठ के बैठो, हिम्मत करो और बच्ची को फीड करवाओ। वैसे भी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है। बच्ची? मैं इसीलिए तो इसको आईसीयू से लेकर आई हूँ। क्या तुम इसे फीड भी करवा दोगी और देख भी लोगी? ये बच्ची? बेटी हुई है तुम्हारे, मुबारक हो। की कमरे तो एक लड़की के जन्ने पे टूट जावे हैं, मेरे घर तो चार चार हैं। सादिक मैं तो जानूं कि ये इसकी कोई चाल थी। अरे डॉक्टर को मिला लिया होगा अपने साथ। तू ये बता तूने मेरे लिए किया क्या है? क्या किया है तूने मेरे लिए, मेरी औलाद के लिए? सारी जिंदगी तेरी जान को रोता रहा हूं मैं। तूने खुद छोड़ी है ये जगह, खुद छोड़ी है। जुनून इश्क है ये, सूफियाना तन्हाई। जुनून इश्क है ये, सूफियाना तन्हाई। सुलगती रहती क्यों आशिकाना तन्हाई।